एंड सबके बीच उत्तर प्रदेश की हरदोई पुलिस ने धार्मिक कार्यक्रम के दौरान छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को पकड़ने का दावा किया है। आरोपी है कि छेड़छाड़ से परेशान होकर उस लड़की ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी और इसी के बाद से पुलिस अफजल नाम के उस आरोपी की तलाश कर रही थी जिसे पकड़ लिया गया और कोर्ट में पेश करने के बाद वापस लौट रही थी। पुलिस का दावा है कि वापस लौटने के दौरान उसने सिपाही का रिवॉल्वर छीनकर भागने की कोशिश की। अभियुक्त मौका पाकर पुलिस फोर्स के रिवॉल्वर छीनकर भागा। जब पुलिस ने उसका पीछा करना शुरू किया तो उसने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर करना शुरू किया। मुठभेड़ में घायल हुए आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में दो गुट आपस में भिड़ गए, एक दूसरे पर लाठियों से हमला करने लगे। घटना 24 सितंबर की है जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि मीडिया कर्मी इटखरी गांव में कवरेज करने गए थे, तभी वहां पर दो पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। मीडिया कर्मी वीडियो शूट करते रहे और लगातार उन्हें ऐसा करने से रोकने की कोशिश भी करते दिखे, लेकिन दोनों तरफ से कोई नहीं रुका और एक दूसरे पर लाठियों से हमला करने लगे। मत करो। बताया गया कि चुनावी रंजिश के चलते दो पक्ष आपस में भिड़ गए थे और मारपीट मौजूदा प्रधान भी शामिल दिखे जिन्हें सिर में चोट लगी है। प्रधान का आरोप है कि गांव के हिस्ट्री शीटर ने अपने गुर्गों के साथ उन पर और उनके बेटे पर हमला किया है।